हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल MI वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज हम आपको थाने के वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। आप लोगों को बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि लोढ़ा अमारा पे एक वीडियो बनाने के लिए, तो हमने कोशिश की है कि आपने जितने भी क्वेरीज दिए हैं उसका आंसर हम आपको दे पाए। दोस्तों, लोढ़ा अमारा थाने के बीचों बीच हार्ट ऑफ द सिटी कोलसेट रोड में अवेलेबल है। लेन 6 कोलसेट रोड इसका एड्रेस है। 4.4 किलोमीटर ये विवियाना मॉल से और 2.5 किलोमीटर ये आर मॉल से के दूरी पे सिचुएटेड है। दोस्तों, अगर आप रेलवे स्टेशन थाने रेलवे स्टेशन से जाएंगे तो 6 किलोमीटर आपको लगेगा, अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट। एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलमोस्ट 45 मिनट लगता है एंड BKC ऑलमोस्ट 50 मिनट लगता है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है 40 एकर्स के लैंड पार्सल में है एंड 50 हाई राइज बिल्डिंग्स अवेलेबल है। दोस्तों, इसमें तीन कॉन्फ़िगरेशन में आता है, 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK। जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 75 लाख से स्टार्ट होता है एंड 2.5 CR तक जाता है। दोस्तों, अगर आप देख पाएँ तो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में सब कुछ सिचुएटेड है जो होना चाहिए। अगर आप ये देख पा रहे हैं अभी, तो ये जो ओवरऑल ये जो बिल्डिंग है, सीधे आप देख पा रहे हैं राइट साइड में स्टार्ट होता है 45 एंड 46 विंग से एंड उसके आगे 38, 39, 40, 41 एंड 42 है जो अभी आप देख रहे हैं। और इसके अपोजिट में अगर आप देखेंगे तो 31 to 37 है एंड उसके पीछे 26, 27, 28, 29 एंड 30 है। एंड ये जो भी काम चल रहा है वो अगर आप देख पा रहे हैं तो 40, 41, 42 इसका जो है काम यहाँ पे अभी भी चल रहा है। बहुत सारे व्यूवर्स ने ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा था कि विंग 39, 40, 41, 42 का क्या स्टेटस है, तो ये आप देख पा रहे होंगे ये अभी काम स्टार्ट है ऑलरेडी। मुझे लगता है कि 1 साल के आसपास इसका पोजीशन मिलना चाहिए। गर्मी का टाइम है दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे यहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हैं। एक चीज़ है कि बच्चों के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा है। ये आप देख रहे हैं, ये विंग 24 एंड विंग 25 है दोस्तों, जिसमें से 24 ऑलमोस्ट 28 फ्लोर तक बन चुका है और 25 जो है अप्रॉक्सीमेटली 12 के आसपास बना रहेगा। जो लेफ़्ट साइड में दोस्तों जो बिल्डिंग थी वो 26 to 30 के आसपास विंग है इसमें। ये स्विमिंग पूल है और ये जो सामने जो आप कोर्ट देख रहे हैं ना, वो फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल कोर्ट है और उसके अंदर सारे जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उनके भी कोर्ट्स बने हुए हैं, जैसे टेनिस, बास्केटबॉल, ये सब उसके अंदर है, बैडमिंटन कोर्ट, ये सब अवेलेबल है और काफ़ी स्पेशियस लग रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं विंग 24, इसका जो लुक रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके इस यहाँ से जो है क्रीक, वसई क्रीक व्यू का प्रॉपर जो है वो व्यू मिलेगा। ये जो क्वेश्चंस लोगों ने पूछे थे विंग 41, 42, 39, ये उसका काम आप देख पा रहे होंगे। काफ़ी जोरों शोरों से ये काम चल रहा है, तो आई थिंक ये जल्दी ही कम्प्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ तो है कि लास्ट बिकॉज ऑफ कोविड कुछ प्रोजेक्ट में देरी हुई, अदरवाइज जितने भी प्रोजेक्ट हैं लोढ़ा हमारे के अंदर, जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनका पोजीशन काफ़ी पहले बिल्डर ने दिया है। कुछ का डिले हुआ है, जैसे अभी ग्रीनवुड जो है विंग 22, 23 उसका थोड़ा डिले हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड के वजह से, और भी कुछ डिले हुए रहेंगे। बट काफ़ी ऐसे भी बिल्डिंग्स हैं जिसका पोजीशन जो डेट बिल्डर ने बोला था उससे पहले दिया है। ये दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, ये विंग 50 है, ये पूरा का पूरा 3 BHK है। ये दोस्तों अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो ये जो है वो टेम्पल है। सो पहला जो मंदिर स्टार्ट होता है ये जैन टेम्पल है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये लेफ्ट साइड में है और थोड़ा सा अगर इससे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गणेश जी का भी मंदिर दिखेगा। तो ये मेन अट्रैक्शन है दोस्तों, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है पूरा, इसमें 2 मंदिर होना, बिकॉज लोग जो हैं वो लोगों को चाहिए कि सब कुछ जो है ये प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल हो जहाँ पे वो रहते हैं। और यही एक इस प्रोजेक्ट को बहुत ही डिफरेंट बनाती है कि 2-2 मंदिर इसके अंदर हैं।
अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत ही प्यारा, और इसका जो जिस तरीके से इसको बनाया गया है वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसा बिरला टेंपल जैसे होते हैं उस तरीके का ये लुक आ रहा है और काफ़ी अच्छा लगता है। ये दोस्तों ये देख पा रहे हैं विंग 24 एंड 25 है। ये विंग की खासियत ये है दोस्तों कि ये पूरा का पूरा इसमें एक डेक रहेगा जो 50 स्क्वायर फीट का डेक है। सो ये पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ तीन ही जगह हैं अभी तक, विंग 24, 25 एंड विंग 50, जहाँ पे डेक मिलेगा विच इज़ 50 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया। आपको ग्रीनवुड जो है उसमें भी डेक मिलेगा, बट वो दो सेपरेट छोटे छोटे रहेंगे और एक जो बड़ा भी है वो इतना बड़ा डेक नहीं है। सो ये एक डिफरेंस रहेगा। ये आप पास से देख पा रहे हो जो कंस्ट्रक्शन अभी तक बना है, और ये बैक साइड से है विंग 25 मंदिर के पीछे से अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये ओवरऑल ये व्यू है। ये पीछे अभी काम चल रहा है इसलिए ऐसा है, एक बार जब ये काम पूरा ख़त्म हो जाएंगे तो ये जो ओवरऑल जो इनका लगा है सेफ्टी के पर्पज से वो हटा देंगे तो ज़्यादा स्पेशियस लगेगा। अभी के टाइम पर उतना स्पेशियस ये प्रोजेक्ट नहीं लग रहा है। दूसरी एक फैक्ट है दोस्तों, बिकॉज़ ये इसमें जितना कंक्रीट या फिर जितना मटेरियल यूज़ हुआ है ये प्रोजेक्ट में, अगर हम कंपेयर करें बुर्ज खलीफा से तो 5 बुर्ज खलीफा बन जाएंगे जितने में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। ये है विंग 24, और यहाँ से जो अगर आप देखेंगे तो एक व्यू मिलेगा जो सीधे फुटबॉल कोर्ट की तरफ रहेगा और आगे मिलेगा, और जो राइट साइड का है वो वसई क्रीक का मिलेगा। बैक साइड का भी जो व्यू है दोस्तों वो वसई क्रीक का है। ये हम आ गए, जो भी आपने लेफ्ट में देखा वो पूरा का पूरा जो है क्लब हाउस था। ये जो क्लब हाउस था वो काफ़ी हद तक जिम खाना से इन्होंने इंस्पिरेशन लेके बनाया है, जिसमें सब कुछ है। एंड ये जो है ये सबसे वन ऑफ जो मुझे बहुत पसंद आया वो गार्डन एरिया है। इसको गार्डन नहीं बोल सकते दोस्तों, ये फॉरेस्ट एरिया बनाया गया है, और ये इस फॉरेस्ट एरिया में काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड इट्स अ पीसफुल माइंड है। एंड कोविड में हमें देखा है दोस्तों कि ऐसा आपके प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ रहना जिसके थ्रू आप यू नो आप अपना बैलेंस कर पाए लाइफ, बिकॉज इन कोविड बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था बाहर जाना, और ऐसा ये प्रोजेक्ट बहुत यू नो ये फील देता है कि नहीं आपके प्रोजेक्ट में सब कुछ है, कल को आप आ सकते हैं। स्पेशली जो बच्चे और यू नो जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि एक बार वो आके मॉर्निंग में यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द हमारे जो पेरेंट्स हैं वो यू नो उनको पसंद है ऐसे पीसफुल इन्वायरमेंट। तो ओवरऑल व्हाट आई फील कि ये एक अच्छा कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट है जिसमें सब कुछ है यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं फॉरेस्ट एरिया कितना अच्छा है। अगर मैं दो तीन चीज़ें बोलूँ तो ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा है, बिकॉज एरिया जो है वो बहुत अच्छा है यहाँ पे, बिकॉज जो लोकेशन है वो बहुत अच्छा है। एंड यहाँ से जो व्यू आता है काफ़ी पिक्चरिस्टिक व्यू है अगर आप ऊपर से देखें तो। आने वाले टाइम में मेट्रो स्टेशन यहाँ पर आ जाएगा, और ऑलमोस्ट 2 मेट्रो स्टेशन है यहाँ से जो काफ़ी पास में है। अगर आप देखें विवियाना मॉल, आर मॉल, तो वो बहुत पास है। थाने रेलवे स्टेशन वो भी काफ़ी पास है, और आने वाले टाइम में यहाँ से बोरीवली के लिए एक ट्विन टनल बनने वाला है। अगर वो बन जाएगा तो वो ज़बरदस्त प्रोग्रेस रहेगा ये पूरे ओवरऑल एरिया के लिए, बिकॉज यहाँ से सीधा संजय गांधी नेशनल पार्क होते हुए वो टनल बोरीवली में निकलेगा। तो यहाँ से सीधा आपको ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट में आप बोरीवली पहुँच जाएंगे, और लॉन्ग टर्म में तो जो मेट्रो है वो भी वापस घूम के काशी मीरा के पास जॉइंट हो जाएगा। तो ओवरऑल कम्यूट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप एकदम क्लोज में है थाने में, सो दैट आप कभी भी नासिक अगर आपको निकलना है तो आप वहाँ जा सकते हैं। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा
रहेगा प्रोजेक्ट, अगर आपका फोर अगर आप आपका जो अमाउंट है जिसमें आप यू नो जो जो आप कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हैं अगर आपको बैठे तो बहुत अच्छा है। द ऑल्सो वन थिंग कि जस्ट यहाँ पे बाहर के साइड में यहाँ पे हम लोगों को एक इफ़ यू से नॉट ए मॉल बट एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्लस उनको ऐसा लग रहा है देखने में कि एक तरीके से वो लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ऑफिस परस्पेक्टिव से भी स्पेस देने वाले हैं। उसको उन्होंने सिग्नेट मॉल का नाम दिया है बट देखते हैं आगे क्या होता है। और बाकी तो बहुत कुछ है आसपास, डोमिनोज से लेके सारे फ्रेंचाइज अवेलेबल हैं आसपास, HDFC बैंक अवेलेबल है। तो ओवरऑल ये प्रोजेक्ट में सब कुछ एमिटीज के परस्पेक्टिव से सब कुछ है। सेफ्टी बहुत अच्छा है, लोढ़ा ने बहुत अच्छे तरीके से सब मैनेज किया है। हाँ बाद में देखना होगा कि कैसे ये सोसाइटीज सब बनती हैं तो कैसे मैनेज होता है। सो ओवरऑल ये रहा दोस्तों ओवरऑल ये प्रोजेक्ट के बारे में। एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।